तुरंत ही सड़क निर्माण शुरू हो गया और महज 72 घंटे के अंदर ही सड़क का नक्शा बदल गया। वो रोड आज से 3-4 साल पहले बन गए। स्वागत है आप सभी को। आप लोगों को मालूम है लगभग 3-4 दिन पहले एक वीडियो आप लोगों को दिखाया था हमने, किस तरह से जो गुड्डा मेहरमा NH 133 सड़क पर पानी जमा हुआ था और कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे सिंह ने किस तरह से पानी पर बैठ गए थे कीचड़ के ऊपर। उसके बाद जो है दोस्तों 72 घंटे में जो रोड का जो सड़क का पूरा ही काया ही बदल गया है। 72 घंटे में पूरा रोड का काया बदल चुका है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरा जानकारी मिलेगा, तो वीडियो को देखते रहिए। अब NH 133 पर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज से 3 दिन पहले जिस जगह पर कमर भर गड्ढा था, इतना पानी जमा था कि वहां नहाया भी जा सकता था, और ऐसा ही किया था महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने। दीपिका के जल सत्याग्रह करते ही झारखंड की राजनीति तो गरमाई ही, उसकी धमक दिल्ली में भी सुनाई दी। फिर क्या था, तुरंत ही सड़क निर्माण शुरू हो गया और महज 72 घंटे के अंदर ही सड़क का नक्शा बदल गया। गौर करने वाली बात यह रही कि इस दौरान विधायक और सांसद के बीच में ट्विटर वार भी चला, ये मेरी सड़क और ये तुम्हारी सड़क को ले खूब दावे भी किए गए। आज उसी सड़क पर उसी जगह गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे काम कर रहे बुलडोजर पर सवार हो गए, चलाने का प्रयास भी किया और फिर समर्थकों के बीच विकास के लंबे लंबे दावे भी कर डाले। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि अपने आदत की विपरीत उन्होंने कांग्रेस और स्थानीय विधायक दीपिका पांडे सिंह के बारे में बोलने से बचते रहे। तो जो NH 133 है उसमें से चोपा मोड़ से हसदिया था, वो रोड आज से 3-4 साल पहले बन गया। वो NH मतलब कि जो झारखंड सरकार से अरवर दास जी मुख्यमंत्री थे और वो खुद भी डब्ल्यू डी के मिनिस्टर थे, उन्होंने वो बनाया। वो रोड आप 4-5 साल से आप देख सकते हैं कि आज भी वो रोड वैसा का वैसा है यदि हसदिया से चोपा मोड़ जाए। दूसरा फेज हसदिया से लेकर महागामा, जिसमें कि पोड़ैयाहाट का भी बाईपास है, जिसमें गोड्डा का भी बाईपास है, जिसमें महागामा का भी बाईपास है, जिसमें महागामा का भी बाईपास है, ये NHAI ने लिया क्योंकि इसको 4 लेन बना और ये सरकार बनाकर तय हुआ कि पहला 4 लेन और वर्क अब बचा महागामा से लेके पीरपैंती। अब महागामा से पीरपैंती तक क्या था कि कोयला आने के कारण ये नेशनल हाईवे का भी काम रुका और कोयला आने के कारण रेल का भी काम, और रेल का काम रुकने के कारण चूंकि इसका जो डायवर्सन हुआ वो डायवर्सन बिहार की तरफ ज्यादा हुआ, तो झारखंड सरकार ने उसको तत्कालीन रघुवर दास जी सरकार ने तय किया कि हम बिहार में बनने वाले रेल लाइन का पैसा क्यों देंगे, इसीलिए उन्होंने वो पैसा बंद किया, जिसके लिए कि मैं हाईकोर्ट। अब जब इसका हुआ तो इसका टेंडर हो गया, मेरे यहाँ झारखंड का जहाँ तक सवाल है, जो ललमटिया से लेके इसके पीछे तक जहाँ बाईपास है वहाँ तक का टेंडर हो चुका है, यहाँ तक का वही बाईपास तक का इसको छोड़कर, और ये टेंडर जो है हुआ ही नहीं है, वर्क अलॉट हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 जुलाई को इसका शिलान्यास भी कर दिया है, ठीक है। अब जो बचा ये पोर्शन बिहार के पास है और बिहार का जो PWD है वो इसको मैनेज कर रहा है। जो बात अभी मुक्तिनाथ जी बोल रहे थे उसका कारण ये है, दो चीज़ें कि चूंकि ये कोयला इस तरफ आ गया तो NH का जो 4 लेन का जो डायवर्सन है वो महागामा केचुआ चौक से वो चारी चलाएगी, वो अब 4 लेन उस तरफ बनेगा और उसी में हवाई जहाज जो है वो उतरने वाला। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से जो खबर चलने के बाद 72 घंटे में जो रोड का पूरा काया ही बदल गया। पूरा जानकारी मैं आप लोगों को देने की कोशिश किया। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड TV।